दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार जो आज भारत और श्रीलंका टीम के बीच में जो पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है उसके पहले दिन के पूरे लाइव अपडेट के बारे में कि आखिरकार अभी तक मैदान पर किसने कितने रन बनाए हैं और क्या अभी स्कोर चल रहा है, तो पूरी डिटेल जानकारी को जानने के लिए बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप भी हमें नीचे बताइएगा कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से आप किसको एक अच्छा कप्तान मानते हो, धोनी को या फिर रोहित को। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में तीन मैचों की T20 श्रृंखला के बाद आज दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आज भारत का अभियान शुरू हो चुका है, जहां अब भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ेगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम से काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पिछले कई मैचों में प्रदर्शन कर दिखाया है और रोहित शर्मा की कप्तानी में जो भारतीय टीम उभर कर आई है उस पर हर किसी की निगाहें होंगी। और वहीं आज भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे, जो कि आज अपना बतौर कप्तान पहला टेस्ट मुकाबला भी खेलेंगे। हालांकि किसी को नहीं पता है कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में किस तरह की कप्तानी आजमाएंगे और वो अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हर किसी को उम्मीदें यही है कि आज भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला जीतेगी। तो वहीं हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका टीम के बीच में अब तक कुल मिलाकर 10 मुकाबले खेले गए हैं और 10 में से भारतीय टीम ने ही इस दौरान अधिकतर मुकाबलों में जीत हासिल करी है। तो वहीं आज भारत और श्रीलंका टीम के बीच में जो पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है वो आप सभी को सुबह 9:30 बजे से ही लाइव आता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं आप सभी इस मैच का लाइव प्रसारण अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम मोहाली से सीधा लाइव देख सकोगे, जहां पर ये मुकाबला प्रसारित किया जाएगा स्टार स्पोर्ट्स 1 HD, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी HD और स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल वगैरह पर किया जाएगा इसका लाइव प्रसारण। और अगर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी। तो वहीं अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो हेड टू हेड के अनुसार अभी तक भारत श्रीलंका की टीम 45 टेस्ट मुकाबलों में आमने सामने भिड़ी है, भारत को छोड़कर बाकी अन्य मैदानों पर भी, जहां भारतीय टीम ने इस दौरान 20 मैचों में जीत हासिल करी और 7 मैचों में श्रीलंका की टीम को जीत मिली है और 17 मैचेस इस दौरान ड्रॉ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आज ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आज भारतीय टीम श्रीलंका की टीम को किस तरह से रोक पाएगी। हालांकि अगर यहां पर बात की जाए टॉस की, तो आज कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला मोहाली के क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कर सकती है, क्योंकि इस मैदान पर गेंदबाजी करने वाली टीम को काफी ज्यादा मदद मिलती हुई दिखाई देने वाली है। तो वहीं अगर हम बात करें आज भारत की प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों जो आज भारत की प्लेइंग 11 टीम आप सभी को मैदान पर उतरती हुई दिखाई देगी उसमें काफी बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। जहां खबरों की माने तो जो भारत की प्लेइंग 11 टीम आज होगी उसमें ओपनिंग करते हुए आप सभी को कप्तान रोहित शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल ही दिखाई देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर ये दोनों ही खिलाड़ी आज भारत की तरफ से ओपनिंग करेंगे। तो वहीं तीसरे नंबर पर हनुमा बिहारी का नाम रखा गया है, चौथे नंबर पर विराट कोहली, फिर नाम आता है श्रेयस अय्यर का, फिर ऋषभ पंत टीम में शामिल है, रविंद्र जडेजा का भी नाम टीम में है, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी आप सभी को खेलते हुए नजर आएंगे, जैसे कि आप सभी यहां पर देख भी सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर यही होगी भारत की प्लेइंग 11 टीम। लेकिन इसी दौरान अगर हम बात करें श्रीलंका की प्लेइंग 11 के बारे में, जो श्रीलंका की आज प्लेइंग 11 होगी उसमें श्रीलंकाई टीम के कप्तान दिमुत करुणारत्ने होंगे, वहीं लाहिरू थिरिमाने को भी टीम में शामिल किया जाएगा, पथुम निसंका टीम का हिस्सा होंगे, एंजेलो मैथ्यूस, धनंजय डी सिल्वा, चरित असलंका, निरोशन डिकवेला, लाहिरू कुमारा, सुरंगा लकमल, लेसित एमुलदेनिया और प्रवीण जयविक्रमा। तो ऐसे में दोस्तों यही होगी आज श्रीलंका की टीम। बाकी अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम का पहला दिन का मुकाबला जबरदस्त जाएगा, भारत का या फिर श्रीलंका का। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबरों के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर जो हम आपको दूसरी बड़ी खबर बताएंगे वो ये होगी कि पहले टेस्ट मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, BCCI ने टीम से किया इस खिलाड़ी को शामिल। नाम जानने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों, आखिरकार कौन है ये भारतीय खिलाड़ी, इसका नाम भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आज जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा, तो उस दौरान श्रीलंकाई टीम के गेंदबाज ने किया कुछ ऐसा कि देखकर छूट जाएगी आपकी भी हंसी। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, तो दोस्तों ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो आप सभी बाकी की इन खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट्स
सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और श्रीलंका टीम के बीच में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है, जहां पर आज के इस मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन कर हर किसी का दिल जीत लिया। दरअसल हम आपको बताएं कि दिन के मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को 7वें आसमान पर पहुंचा डाला। दरअसल आज के इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने टॉस जीतकर आज के इस मैच में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। दरअसल यहां रोहित शर्मा और सुमन गिल आज भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे, दूसरी तरफ सुमन गिल भी बखूबी उनका साथ निभाते हुए नजर आए, जहां आज सुमन गिल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 72 गेंदों में 48 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने दो चौके भी लगाए थे। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा का आज बल्ला खूब चला। जी हां, यहां पर रोहित शर्मा ने सुरेश अय्यर के साथ मिलकर पहले तो अपनी शतकीय साझेदारी पूरी करी, जहां सुरेश अय्यर ने आज के इस मैच में 107 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 1 बड़ा छक्का लगाया था। तो वहीं सुरेश अय्यर के अलावा जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे विराट कोहली, तो विराट कोहली के बल्ले से भी आज खूब रन बने। हालांकि यहां पर विराट कोहली ने 85 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली थी, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हैं। आज के इस मुकाबले में विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा ने 257 गेंदों में 158 रनों की आतिशी पारी खेली और अपनी इस बल्लेबाजी में उन्होंने 7 चौके और 5 बड़े छक्के लगाए। तो वहीं रोहित शर्मा आज के इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जूही कसर जसप्रीत बुमराह ने अंत में आकर हैट्रिक लेकर ले दी। जी दोस्तों, यहां पर जसप्रीत बुमराह ने आज 22 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने आज हैट्रिक इस दौरान ली। हालांकि यहां पर भारतीय टीम के इन दोनों ही गेंदबाजों का ऐसा प्रदर्शन देखकर अब हम सभी को ये साफ हो गया है कि जो पहला टेस्ट मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ कल जो खेला जाएगा, उसमें दोनों ही टीम के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर जरूर श्रीलंका टीम के परखच्चे उड़ा देंगे। बाकी अब आपकी क्या राय है इन खिलाड़ियों के आज के इस प्रदर्शन को देखने के बाद, और आप इनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं दोस्तों, आगे खबर में हम आपको तमाम जो क्रिकेट की खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, 6 मार्च को सुबह 6:30 बजे के लिए अपना अलार्म सेट करें, विराट कोहली ने फैन से की खास अपील, वजह जानकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों, इस बड़ी खबर के बारे में भी जानेंगे और उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।